नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार, 8 क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है। ध्यान से आप देखिएगा, ये हर एग्जामिनेशन हर कंपटीशन में काफी ही आपको सहायता प्रदान करेगा, तो इससे क्वेश्चन न आने का सवाल ही नहीं है। पहला चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, मतलब संसाधन। संसाधन हम किसको कहेंगे? क्या है संसाधन? संसाधन हम किसको कहेंगे? कोई भी वस्तु है, कोई भी संसाधन है, संसाधन हम किसको कहेंगे? कोई भी वस्तु है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करता है। यानी कि हमारी आवश्यकताओं को अगर पूर्ति करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, क्या है कि कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है उसे हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, एनी सेंटेंस, एनी सेंटेंस ठीक है, फुलफिल आवर नीड, फुलफिल आवर नीड ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताएं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पूर्ति करता है देखिए, जब तक हमारी आवश्यकता है किसी वस्तु की, वो वस्तु क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, तो वो संसाधन बन जाता है ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, आज अगर हम पढ़ा पा रहे हैं आपको, तो हमारे पास ये लैपटॉप है, हमारे पास टैब है, या हमारे पास जो है, तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास संसाधन, अगर ये वस्तु नहीं होती तो क्या हम पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। इसलिए ये सब हमारी आवश्यकताएं हैं ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको रिसोर्सेज कहेंगे। तो रिसोर्सेज में कुछ नहीं समझना है, सिर्फ समझना है क्या कि हमारी आवश्यकताओं को जो पूरा करे उसे हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहते हैं। संसाधन हम देखते हैं कि टाइप, अगर संसाधन के देखे तो कितने तरह का टाइप होंगे। एक तो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है भाई? नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज कहने का अर्थ है रिसोर्सेज ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का अर्थ क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या? जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, जैसे हवा। आज देखिए, हवा है, पानी है, आपका भूमि है यानी कि लैंड है ठीक है। तो ये सब क्या है, अभी विंड जो है ब्लो हो रही है ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज ही है, तो प्राकृतिक संसाधन है। इसमें तो ऐसा नहीं है कि हवा हम या कोई इंसान जाके बना दिया, या प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो कोई इंसान बना दिया ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। जिस नेचर को हम किताबी भाषा में नेचर कहते हैं, आप अपने शब्दों में जिसको भगवान अल्लाह खुदा जो कहिए, ये अपने अपने धर्म के हिसाब से, उनके द्वारा जो है ना ये प्रदान किया गया ठीक है, नेचर के द्वारा जो दिया गया है। दूसरा क्या होता है, ह्यूमन मेड या मैन मेड ठीक है। मैन मेड ही लिखिए, मैन मेड रिसोर्सेज किसको कहेंगे, वो रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाए गए। इंसान जैसे मान लेते हैं पत्थर है ठीक है, तो पत्थर के छोटा छोटा टुकड़ा जिसको कंक्रीट बोलते हैं, उस कंक्रीट से हम क्या कहते हैं, रोड बनाए या घर बनाए, जो देखते हैं ना ढालने में, जैसे ब्रिक्स बन रहा है, ईंट है, तो सबको हम क्या करते हैं, इस सबको हम मैनमेड कहेंगे। जो भी इंसान के द्वारा बनाया गया होगा उसको मैनमेड। जैसे पेड़ पौधा, अगर कोई फॉरेस्ट अगर ग्रो हुआ है, कोई भी वन अगर ग्रो हुआ है ठीक है, तो उसमें तो इंसान का कोई जो है लेना, इंसान तो उसमें ऐसा नहीं ना कि जाके जंगल लगा दिया, चाहे कुछ भी किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो पेड़ पौधा अगर पेड़ को काट लग के ला रहा है और उससे क्या करता है कि फर्नीचर बनाता है अपने सुख सुविधाओं के लिए, तो ये मैनमेड हो गया। और वही पेड़ पौधा था तो क्या था, नेचुरल था। समझ में आ रहा है, जंगल है, नेचुरल है ठीक है, तो ये हुआ। फिर ह्यूमन, तीसरा क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन क्या, मानव तो सबसे बड़ा रिसोर्सेज है। जैसे हम ही पढ़ा पा रहे हैं, अगर मान लेते हैं कि हम एजुकेट नहीं होते, हमारे पास एजुकेशन नहीं होता, तो क्या हम पढ़ा पाते? नहीं पढ़ा पाते। तो कहने का अर्थ है, या स्किल किसी का डेवलप है, वो क्या करेगा, वो काम कर लेगा आसानी से। मान लेते हैं कोई मोबाइल ही बनाना जानता है, तो
तो उसको अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान है तो वो आसानी से बना लेगा। समझ में आया? तो ये आपको रिसोर्सेज आगे हम देखेंगे इसके बारे में, सबका टाइप हम देखेंगे। फिर हम देखते हैं क्या रिसोर्सेज, हम देखते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी दो चीज जो है ना रिसोर्सेज यानी कि संसाधन बना पाती है, टाइम और दूसरा क्या है टेक्नोलॉजी, तीसरे दोनों है टेक्नोलॉजी। देखिए तो टाइम मतलब समय हो गया, तो समय के साथ देखिए पहले अगर हम लॉ एफ के बारे में जानते थे, आयरन ओर जिसको बोलते हैं, आयरन ओर लॉ एफ, हम क्या करते थे पहले, पहले हम लॉग एफ को तो जानते थे एफ, लेकिन लॉग एफ से हम लोहा को एक्सट्रैक्ट करना नहीं जानते थे यानी कि निकालना नहीं जानते थे, अलग करना नहीं जानते थे। जब हम आयरन ओर से लोहा जब हम निकाले, लोहा को अलग किए, लोहा निकाले, तब बहुत सारा परिवर्तन हुआ। जैसे आप ऋग्वैदिक काल में देखिएगा तो आप खेतों के बारे में देख सकते हैं, और वहीं उत्तर वैदिक काल में देखिएगा जो काफी क्या हुआ, या मगध का उत्कर्ष ही देखिएगा, तो इसलिए मगध बहुत ज्यादा रिच था लो एस से, ठीक है, इसलिए तो मतलब इतना बड़ा कहने का अर्थ है जनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन पाया, तो उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं लोहा के आ जाने से खेती में कितना ज्यादा बदलाव हुआ। जैसे पहले हल जो है ना लकड़ी का था, बाद में लोहा का जब फाल लगा तो बहुत अच्छा से जो है ना खेतों की जुताई होती थी, ठीक है। तो ये क्या है समय के साथ, और आदि मानव जैसे आदि मानव नहीं जानते थे लोहा का यूज करना, लौह अयस्क तो था, ऐसा थोड़े है धरती के गर्भ में लौह अयस्क था, लेकिन हम क्या करते हैं फिर भी हम यूज करना नहीं जानते। आज भी बहुत सारा चीज है जिसका यूज हम करना नहीं जानते हैं, जैसे लद्दाख में यूरेनियम है, अगर अच्छा से अगर यूज करना हम उसको नहीं जानते हैं, आवश्यकता है लेकिन वो हमारी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या होगा संसाधन तब तक नहीं होगा, ठीक है। आगे हम टाइप्स में भी देखेंगे। दूसरा हुआ टेक्नोलॉजी, हम किसको कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, मतलब कोई भी एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, लेटेस्ट नॉलेज हम बनाते हैं, कोई भी चीज हम तैयार करते हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी वस्तु बनाने में हम क्या करते हैं नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही तो करते हैं। कोई भी वस्तु बनाते हैं, किसी वस्तु को बनाने में, किसी वस्तु को बनाने में नवीनतम ज्ञान का, नवीन सॉरी नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। अब जैसे नोकिया को ही ले लीजिए, आज मार्केट से गायब आपको दिख रहा होगा, क्यों कि पहले देखिए पहले जो है वो तो हार्डवेयर पे काम किया, ठीक है, आज जो भी मोबाइल आ रहा है भले एक बार में गिर जाए खत्म हो जाए, लेकिन लोगों को क्या चाहिए सॉफ्टवेयर, अच्छा अच्छा जो है ना एप्लीकेशन उसमें चाहिए, एकदम लेटेस्ट चाहिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि हम क्या करते हैं कोई भी वस्तु अगर बना हुआ है लेकिन उसमें कुछ चेंज करके क्या होता है अच्छे से और मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ, तो ये आपको समझ में आया होगा कि टाइम और टेक्नोलॉजी से क्या होता है। और तीसरा एक और चीज है जिसको बोलते हैं पेटेंट, पेटेंट 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 हम किसको बोलते हैं पेटेंट, ठीक है। पेटेंट क्या है इसको देखते हैं, आपका कोई आइडिया है, ठीक है, या इनोवेशन आप किए हैं, इनोवेशन मतलब आविष्कार किए हैं, कोई आपका आइडिया है, आइडिया मतलब होता है विचार, विचार या क्या हुआ या आविष्कार, विचार या आविष्कार पर एकमात्र क्या होता है अधिकार होता है, विचार या आविष्कार पर एकमात्र, ध्यान से इसको देखना है, एकमात्र अधिकार अगर आपका, आप क्या है आपके वो अधिकार में, अधिकार अगर उसको कोई अगर चाहता है कॉपी करना तो उस पर क्या होगा उस पर केस हो सकता है, वो जेल जा सकता है। तो कहने का अर्थ है पेटेंट मतलब हम क्या समझते हैं, पेटेंट का अर्थ हुआ अगर कोई यहाँ पे एक व्यक्ति है जैसे राम है, ठीक है,
राम ये व्यक्ति है, अगर ये क्या करता है, राम क्या करता है, एक मोबाइल बनाता है, नोकिया का मान लेते हैं, नोकिया का मोबाइल बनाता है, ठीक है, नोकिया, नोकिया का ये मोबाइल बनाता है। श्याम भी कहता है कि नहीं हम भी बनाएंगे नोकिया, तो श्याम नोकिया का मोबाइल नहीं बना सकता है, क्यों, कि श्याम को ये ऑथराइज नहीं है, श्याम नहीं बना सकता है, जब तक श्याम क्या करता है, राम से परमिशन नहीं लेता है, तब तक नोकिया का मोबाइल ये नहीं बना सकता है, तो ये समझ गए होइएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, समझ में आया। अब देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज क्या है, एनी सब्सटेंस दैट फुलफिल्स आवर नीड्स, तो इसको हम देखे हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करती है, पूर्ति करती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं, समझ में आया। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि क्या है, देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम कितने भाग में बांट सकते हैं, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं संसाधन, संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या जैविक और दूसरा होता है अजैविक, ठीक है, जैविक मतलब बायोटिक और अबायोटिक, तो बायोटिक किसको कहते हैं, नाम से ही होता है जैविक, जैविक मतलब क्या हुआ, जो जिंदा है, ठीक है, जिंदा मतलब जैसे प्लांट हुआ, ठीक है, पेड़ पौधा हुआ, प्लांट हुआ, जैसे फ्लोरा और फ्यूना कहेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, फ्लोरा एंड एंड फ्यूना, फ्लोरा एंड फोना, ठीक है, फ्लोरा एंड फोना मतलब वनस्पति जात एवं प्राणी जात, वनस्पति जात एवं प्राणी जात, एवं प्राणी जात, प्राणी जात, तो ये आपको समझ में आया, वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधा जो भी होगा या जानवर होगा वो सब इसमें आ जाएगा, फ्लोरा एंड फ्योना में सब आ जाएगा, तो ये क्या होगा, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हम क्या करते हैं, हम संसाधन को दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन, एक तो बायोटिक दूसरा अबायोटिक, बायोटिक मतलब होता है जैविक संसाधन, ठीक है, तो जैविक मतलब या जीवीय इसको बोलते हैं, ठीक है, डिराइव फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, ठीक है, हम क्या करते हैं कि लिविंग थिंग्स के लिए ये, और अबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, यानी कि अबायोटिक क्या है, ये निर्जीव के लिए है, अबायोटिक मतलब क्या होता है, अजैविक मतलब जो जिंदा नहीं, जैसे तो निर्जीव बोल देंगे निर्जीव के लिए, तो जैसे क्या हो सकता है, आप यहाँ देखिए सॉयल आपका मिट्टी हो सकता है, मृदा सॉयल कहिए या लैंड कहिए, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, वाटर होगा, एयर होगा और जितना भी मिनरल्स है, लैंड है यानी कि भूमि हो जाएगा आपका, क्या होगा भूमि, और दूसरा क्या होगा पानी यानी कि जल मंडल, जल जितना भी है तो वो पूरा आपका हो जाएगा, एयर वायु भी आपका क्या हो जाएगा, वायु, और मिनरल मतलब खनिज भी क्या हो जाएगा, और भी जितने बहुत सारी चीजें जो नॉन लिविंग में देख रहे हैं लगभग वो सब क्या हो जाएंगे आपको अबायोटिक हो जाएंगे, तो समझ में आया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो तरह के होते हैं, कौन कौन होते हैं, एक तो जैविक होते हैं यानी कि बायोटिक होता है, दूसरा अबायोटिक होता है, बायोटिक मतलब जो जिंदा है जीवी, जैसे क्या होगा फ्लोरा और फौना मतलब वनस्पति जितना भी होगा, अये प्राणी जात जितना भी होगा वो सब क्या हो जाएगा आपको बायोटिक में, अबायोटिक में क्या होगा कि जो निर्जीव है, जैसे आपका सूर्य का प्रकाश है, क्या है वो भी तो निर्जीव है, भूमि हम जिस पे रहते हैं वो भी निर्जीव है, जल खनिज वायु ये सब क्या है आपको अबायोटिक में आएगा, तो समझ में आपको आया होगा। फिर हम आगे देखते हैं, देखिए हम संसाधन को समझौता के आधार पर यानी कि पोटेंशियल के आधार पर हम दो तरह से हम इसको देख सकते हैं, एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या होता है जो रियल में वहां पे है, एक होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब क्या होता है इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं,
अब हम देखते हैं, जैसे दो तरह का हो जाएगा आपको समझौता के आधार पर। अब समझौता के आधार पर, तो यानी कि पोटेंशियल, तो हम दो तरह का देख सकते हैं। एक होता है एक्चुअल, एक्चुअल मतलब क्या होता है, रियल में जो वास्तविक हुआ, ठीक है। एक होगा एक्चुअल, एक्चुअल एक्चुअल मतलब क्या है, वास्तविक। एक होता है वास्तविक संसाधन, वास्तविक वास्तविक, यानी कि समझौता के आधार पर हम क्या करते हैं, दो तरह के हम संसाधन को देख सकते हैं। और दूसरा होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब संभाव्य, यानी कि संभावना है, संभाव्य, ठीक है। तो एक होता है वास्तविक, यानी कि रियल में वो संसाधन है और उसका हम यूज कर पा रहे हैं। बात समझ में आई, रियल में वो संसाधन है और उसका यूज कर पाना है। जैसे कोयला है, कोयला का हम यूज कर पा रहे हैं। आयरन है, आयरन का हम क्या करते हैं, यूज कर पा रहे हैं। किसको कहेंगे, वो संसाधन जो हमारे पास वास्तव में है। जैसे मान लेते हैं कि जर्मनी में कोयला है, ठीक है, जर्मनी के रूर प्रदेश हम बोलते हैं, जर्मनी में क्या है, मान लेते हैं कोयला, कोयला है। या यहाँ धनबाद में देखते हैं, अपने बिहार से अलग हुआ है झारखंड, तो धनबाद में भी कोयला हम देखते हैं, तो ये क्या है, कोयला। तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। तो ये संसाधन हमारे पास है और इसका यूज हम कर पा रहे हैं। संभावित संसाधन हम उसको बोलते हैं जो हमारे पास है, ये संसाधन हमारे पास होने के बावजूद भी हम इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास है, हमारे पास है, लेकिन क्या होता है, लेकिन यूज हम उसका नहीं कर पाए, लेकिन यूज यानी कि प्रयोग, इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है, पा रहे हैं। ये संसाधन हमारे पास है लेकिन इसका यूज, यूटिलाइज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप देख सकते हैं, लद्दाख में यूरेनियम है, वो है लेकिन उसका हम यूज, लद्दाख उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। लद्दाख में क्या है, यूरेनियम, तो यूरेनियम, लेकिन इसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं, होने के बावजूद भी यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे जगहों पे देखिएगा, जैसे आपको पेट्रोलियम है लेकिन वहां यूज निकालने का कॉस्ट ही इतना पड़ जाएगा, या आपको मान लेते हैं दूसरे भी मिनरल्स, दूसरे भी खनिज है, हमको, हम जानते हुए भी उस खनिज को नहीं निकाल पाते हैं, कि निकालेंगे उससे ज्यादा कॉस्ट हमको क्या मिलेगा, पड़ जाएगा निकालने में ही, ठीक है। यूज हम होते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप समझौता के आधार पर देख लिए, वास्तविक और संभाव्य, यानी कि एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल में क्या होगा कि वास्तव में वो संसाधन हमारे पास है, उसका यूज कर पा रहे हैं, लेकिन संभाव्य में क्या होगा, वो संसाधन मेरे पास है लेकिन उसका यूज हम नहीं कर पाते हैं। बस इतना ही समझना है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम के आधार पर, अब हम देखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो समय के आधार पर हम देखते हैं, समय के आधार पर हम देखते हैं कि दो तरह के, ये समय के आधार पर है, समय के आधार पर दो तरह के हम क्या करते हैं, संसाधन को हम देख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ये हम क्या करते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग, हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, समय के आधार पर हम देख सकते हैं। एक होता है रिन्यूएबल, नवीकरणीय, एक होता है रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा होता है, हम देख ले, एक होता है रिन्यूएबल और दूसरा क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो एक तो हम देखते हैं रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल, दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। अब हम देखते हैं रिन्यूएबल हम किसको बोलेंगे, यानी
यानी कि नवीकरणीय संसाधन इसको बोलते हैं। नवीकरणीय संसाधन कैसे? नवीकरणीय संसाधन जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इसका भंडार है, पर्याप्त 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 रूप से है, या पर्याप्त भंडार है, पर्याप्त रूप से है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास है, हमारे पास है, लेकिन इसका यूज, इसका अगर अधिक दोहन करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये, और इसमें हम देखते हैं खत्म हो जाएगा तो फिर से इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन ये क्या है, तुरंत इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, ये तुरंत जो है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको ऑक्सीजन का कमी हो रहा है किसी क्षेत्र में, पेड़ पौधा लगा देंगे तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिक जो है क्या है, बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं इसको पर्याप्त रूप से है, और क्या करते हैं, इसे बनने में, इसे इनविजिबल होते हैं, इसे बनने में कम समय लगता है। क्या लगता है? कम समय लगता है, और इसके अपोजिट ये हो जाएगा, समय लगता है। समझ में आया होगा कि रिन्यूएबल मतलब नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन हम उसको कहते हैं जो पर्याप्त रूप से है हमारे पास, लेकिन इसे बनने में कम समय लगता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में क्या है, हमारे पास इसका भंडार कम है। भंडार क्या है? इसका भंडार जो है ना कम है, कम है, तथा बनने में काफी समय लगता है। क्या होता है? तथा बनने में क्या होता है? काफी समय लगता है, बनने में काफी समय लगता है, काफी समय लगता है। समझ में आ गया होगा? तो हम रिन्यूएबल किसको कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल किसको कहते हैं? कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर देखते हैं वितरण के आधार पर संसाधन को, वितरण के आधार पर यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, वितरण के आधार पर, वितरण के आधार पर हम संसाधन को दो पार्ट में भाग बांटते हैं। एक तो होता है इबिक्यूटस, ठीक कहता है, और एक होता है लोकल। इबिक्यूटस क्या होता है? इबिक्यूटस, क्यूटस, इबिक्यूटस मतलब होता है सर्वव्याप्य, 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 ठीक है, या सर्वव्यापक भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, या यूबिक्यूटस के बाद होता है आपको लोकल, लोकल रिसोर्सेज, या लोकलाइज रिसोर्सेज भी कहिए, लोकल रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपको स्थानीय, किसी स्थान विशेष पर ही आपको वो चीज मिलेगा। जैसे यूबिक्यूटस में क्या होगा, यूबिक्यूटस में जैसे हर जगह सनलाइट है, जैसे सूर्य का प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश तो हर जगह है। ठीक है, अच्छा, ये पृथ्वी क्या है, हर जगह जैसे लगभग, और हवा है, जैसे हवा है, ये क्या है, हर जगह है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यूबिक्यूटस कहेंगे। नाम से ही पता चलता है सर्वव्यापक, सर्वव्यापक, सॉरी सर्वव्यापक गलत लिखते, सर्वव्यापक। ठीक है, तो सर्वव्यापक मतलब हर जगह, हर जगह ये अवेलेबल है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इबिक्यूटस, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मतलब ये हर जगह है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूबिक्यूटस बोलेंगे। ठीक है, लोकल मतलब क्या है, कि मान लेते हैं कि किसी स्थान विशेष पर आपको तांबा मिल रहा है, या लोहा मिल रहा है, या यूरेनियम मिल रहा है, कोई भी चीज मिल रहा है, यानी कि ये किसी सर्टेन प्लेस पर आपको मिलेगा, किसी खास जगह पर मिलेगा। क्या होगा? हर जगह नहीं मिलेगा, किसी खास जगह पर मिलेगा, किसी खास स्थान पर मिलेगा, किसी खास स्थान पर, स्थान पर मिलेगा। ये क्या होगा? किसी खास स्थान पर मिलेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, किसी खास स्थान पर अगर मिलेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल रिसोर्सेज बोलेंगे। अच्छा, अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे है? देखिए, ह्यूमन क्या होता है, कोई भी मानव है, तो ये रिसोर्सेज कैसे हुआ, ह्यूमन यानी कि मानव, रिसोर्सेज कैसे हुआ, मानव खुद एक रिसोर्सेज है, वो कैसे है? मानव के पास मान लेते हैं कि नॉलेज है, अगर हम पढ़ा रहे हैं, हम अगर पढ़ा रहे हैं तो यानी कि ये सब्जेक्ट हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो आप भी पढ़ा सकते हैं, इसमें क्या है, या किसी का स्किल काफी डेवलप है, मान लेते हैं कि किसी का स्किल जो है ना, खेलने में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, सचिन तेंदुलकर बन गया, विराट कोहली बन गया, तो जिसका स्किल
बहुत क्या है डेवलप है। तीसरा क्या होता है टेक्नोलॉजी, अगर जिसका टेक्नोलॉजी, अब मान लेते हैं कि हम मोबाइल अगर बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम बताए भी हैं, तो हमको उसका ज्ञान है तो हम क्या कर सकते हैं उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है। या हम क्या करते हैं, किसी पुल को बना रहे हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, आप जैसे रोड बना रहे हैं तो इसके लिए भी तो टेक्नोलॉजी चाहिए, रोड बना रहे हैं या कोई ब्रिज ही बना रहे हैं, ब्रिज अगर बना रहे हैं तो ब्रिज भी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए आपको। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ह्यूमन को एक रिसोर्सेज के तरह हम यूज करते हैं। जैसे चाइना में आप देख रहे हैं, चाइना में तो चाइना में आप देख पा रहे होंगे कि चाइना में कितना ज्यादा जो है मानव संसाधन का यूज करके आज चाइना देख रहे हैं कि कहाँ से कहाँ पहुंच गया। सिर्फ रोना रोने से नहीं होगा कि हाँ हमारे पास जनसंख्या बहुत है, उसका यूटिलाइज करना यदि हम जानते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। रिसोर्सेज का देखिए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, हम कैसे कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कि हम कैसे हम संसाधन को संरक्षण करने का तरीका देखेंगे, संसाधन संरक्षण का तरीका, संसाधन संरक्षण का तरीका, संरक्षण संरक्षण मतलब कंजर्वेशन, संरक्षण का तरीका, तो इसको हम देखते हैं तरीका। तो इसको 3 R बोलते हैं, 3 R, 3 R मतलब क्या होता है, 1 R, R मतलब क्या होगा, एक तो होगा क्या कि हम खपत कम कर दें, यानी कि हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कंजेशन कर सकते हैं। दूसरा आर से क्या करेंगे कि रिसाइकिल या रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, रिसाइकिल माने पुनः चक्रण, रिसाइकल करके, ठीक है। और तीसरा आर का अर्थ होता है आपको रीयूज, रीयूज, ठीक है, हम उसको पुनः यूज कर सकते हैं। देखिए तो 3 R, संसाधन को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, संसाधन को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, तो हम रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए हमको खपत कम करना होगा, यानी कि रिड्यूस करना होगा, हम खपत क्या करें कम करना होगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है रिड्यूस कंजप्शन, यानी कि खपत को कम करना होगा, क्या करना होगा, खपत को कम करना होगा, ठीक है। यूजिंग क्या है, रिसोर्सेज टू मिनिमाइज वेस्ट, हम कम से कम वेस्ट करें। हम क्या करते हैं, जैसे औरतें आप जैसे खाना बनाते हैं, चावल धोते हैं, उस चावल को पानी को हम क्या करते हैं, धोने में 5 L हम वेस्ट कर देते हैं, उस पानी से हम चाहे तो और कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, चावल बनाने में हम क्या करते हैं, चावल को जब हम क्या करते हैं पतीले से पकाते हैं, यानी कि पानी को जब अलग करते हैं, चावल जब पक जाता है उसको, तो क्या करते हैं उसका भी यूज आप कर सकते हैं, जैसे गंदे कपड़े को खींचने में आप उसमें डाल दिए, या औरतें क्या करती है, रिवाइव का काम करता है वो, औरतें क्या करेगी, जैसे सूती साड़ी अगर कॉटन का पानी है तो सूती का साड़ी पे चढ़ाने पे क्या होता है, उसमें डुबो दीजिएगा तो वो टाइट रहता है। तो इसका हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कम खपत भी किए, ठीक है, अब 5 L की जगह पर हम 2 L दिए और या 3 L दिए और उसका रीयूज भी कर लिए। और देखिए रिसाइकिल मतलब होता है पुनः चक्रण, क्या रिसाइकिल ऑफ गुड्स, क्या है हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को हम क्या कर सकते हैं उसको फिर से यूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। जैसे हम प्लास्टिक का कोई भी चीज हम फेंक देते हैं और देखते हैं आता है लोग प्लास्टिक का और उसको लेके जाता है और उससे तरह तरह का चेयर बनाता है प्लास्टिक का, ठीक है। तो ये है आपको क्या करते हैं, रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रित कर सकते हैं। या हम ये भी कर सकते हैं, रियूज में क्या होता है, जैसे हम साड़ी पहन रहे हैं, साड़ी फट गया, उस साड़ी से क्या करते हैं, गुदरा पहले सिलाता था, ठीक है, गुदरा जिसको बोलते हैं बच्चे ये सब सोते थे, वो छोड़िए, हम क्या करते हैं, जैसे हम लोग बनियान बांधते हैं वो फट गया, हम लोग क्या करते हैं पोछा लगाने वाला हम लोग बना लेते हैं। तो कहने का अर्थ है कि किसी तरह हम क्या करेंगे, इस संसाधन का संरक्षण हमको करना है। संरक्षण करने का 3 तरीका है, एक है रिड्यूस यानी कि संसाधन का खपत कम करके, एक है रिसाइकिल यानी कि उस चीज को फिर से बना के, ठीक है, उसका पुनः चक्रण करके, एक होता है रीयूज, रीयूज मतलब वस्तुओं का पुनः उपयोग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास हम किसको कहते हैं। अभी का जनरेशन के लिए हम मान लेते हैं कि पानी है, ठीक है, अभी देख रहे हैं अंडर वाटर ग्राउंड वाटर जो है ना कितना जो है ना मतलब कम हो गया था, चापाकल से पानी नहीं आ रहा था, नल से पानी नहीं आ रहा था। तो कहने का अर्थ क्या है, ग्राउंड
में क्या है, पानी की काफी जो है ना कमी हो जाती है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो है ना, ग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला जाता है। बात समझ में आई? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करें कि अभी का जेनरेशन, प्रेजेंट जेनरेशन तो उसका यूज करें ही, और फ्यूचर के लिए भी हम बचा के रखते हैं। अभी अभी हम यूज कर रहे हैं, हम भी यूज करें, हम यूज करें, हम उसका उपयोग करें, उपयोग सावधानी पूर्वक, उपयोग सावधानी पूर्वक करें। एक मिनट, इनविजिबल होना होगा। सावधानी पूर्वक करें, सावधानी पूर्वक, ठीक है, हम उसका क्या करें, उपयोग सावधानी पूर्वक करें, और हमारे आने वाले जेनरेशन के लिए भी वो सुरक्षित हो, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या हो, आने वाले पीढ़ी के लिए, ये लिए सुरक्षित हो, सुरक्षित। समझ में आया? तो आपको इससे क्या होगा, हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है। बात समझ में आया? अब देखिए हमारा कर्तव्य क्या है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या समझे कि देखिए ऐसा ना हो कि हम खूब यूज कर ले और हमारे जनरेशन के लिए बचे ही ना, इसलिए हमको सावधानी पूर्वक यूज करना होगा। सौर ऊर्जा से हम क्या करते हैं, सोलर पैनल के द्वारा, सोलर पैनल के द्वारा हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, और उसे देख रहे हैं यहाँ तक कि बाइक, यहाँ तक कि कार, हर चीज लगभग इससे हैंडल हो रहा है, इससे चल रहा है, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रहा है। सूर्य के प्रकाश से हम तरह तरह के क्या बना पा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल भी आ गया हुआ है, कार भी है जो सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तो हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि इसका यूज हम करके हम कुछ कर दे। अब मान लेते हैं कि जियो थर्मल एनर्जी से या टाइडल एनर्जी से, जब तक अब मान लेते हैं कि जहाँ पे पानी, पानी का बहुत ज्यादा स्रोत है, हम वहां से पन बिजली ही बना लिए, तो ये हुआ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए, हम यूज कर सकते हैं ना, यूटिलाइज। कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जैव विविधता का क्या करना चाहिए, संरक्षण, जैव विविधता का, जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, विविधता, जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, संरक्षण मतलब संरक्षण। अब हम पेड़ पौधे काट देंगे, मान लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में पेड़ पौधे, वहां चिड़िया, देखिए चिड़िया भी वहां से भाग जाएगी, इसके अलावा जितने भी जीव जंतु होंगे वो भी नहीं रहेंगे, ठीक है, सब क्या होंगे, वहां से चले जाएंगे, और हमको क्या होगा, हम जो ऑक्सीजन ले पा रहे हैं पेड़ पौधे के द्वारा वो हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम क्या कर, ठीक है, इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं, कम से कम हानि करना होगा, कम से कम संसाधन का, कम से कम, कम से कम हानि करना होगा, ठीक है, हानि करना होगा, करना होगा। अब ऐसा नहीं कि कोई रिसोर्सेज हमारे पास है और उसको हम खूब जो है ना यूज कर रहा है, आज एक लीटर में काम चल जा रहा है, अब हम क्या करते हैं, अब वेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मोबिल यानी कि पेट्रोलियम जो भी पदार्थ है उसको खूब यूज करेंगे, हम इधर से उधर क्या करेंगे, उसको फेंक देंगे, उसका वेस्टेज करेंगे, तो इसको कम करना है, ठीक है। तो हमारा ड्यूटी ये होना चाहिए, ठीक है, हमारा ड्यूटी होना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, जैव विविधता का संरक्षण हम करेंगे, जैव विविधता का अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये पृथ्वी पर से जो है ना एकदम मानव, मानव का तो समझिए कि अस्तित्व ही विहीन हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और कम से कम जो है ना संसाधन का हानि हमको करना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये लक्ष्य ठीक लगा होगा, यदि ठीक लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, अगर किसी तरह का क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप जो है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।